हमारी जो ये बेर है माशाल्लाह से ये भी बड़ी हो रही है, और ये जो फूल है ये फूल इस पे लगते हैं, जरा धूप निकलती है तो फिर बहुत ही खूबसूरत खिल जाते हैं। इसको जो है ना देखें आप, अभी थोड़े थोड़े जो है ना खिले हुए हैं ये, लेकिन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, अभी धूप नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम रोज़ी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो ये रोज़ी बनाई है हम गरीबों के लिए। बेलें इसकी बहुत ही बड़ी हो जाती हैं लेकिन उतरती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला आप सब खुशियाँ अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाजे, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन्हें रोज़गार अता करे, अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए। ये थी हमारी छोटी सी दुआ। आप चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचेगी। तो आज हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे हैं, इतने दिन से हम लोगों की वीडियो शॉर्ट थी क्योंकि मैं भी जो है ना कपास चुनने के लिए जाती हूँ, सैफला भी काम पे चला जाता है, हम लोग को बहुत ही कम टाइम मिलता है। आपको पता है कि यही दिन है जो हमारे रोज़ी के हैं, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे, घर का भी लोग भी दिखाते रहेंगे, बाहर भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है ना हम लोग थोड़ी थोड़ी सी आपको जो है ना वीडियो दिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम रोज़ी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो ये रोज़ी बनाई है हम गरीबों के लिए, कपास की चुनाई ये हम लोग कर रहे हैं और सैफल अभी कपास की जो है ना वो जो उसको भरते हैं गाड़ियों में, लोडिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा गुजारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बहुत एहसान है कि हम लोग जो है ना आजकल जो है ना शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी जो है ना खा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह गरीबों की रोज़ी लगाए रखे और गरीब इसी तरह जो है ना मेहनत करके खाते रहें। और आप लोगों से बार बार हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि हमारा टाइम जल्दी पूरा हो, क्योंकि ये जो कपास के दिन है ये 15 से 20 दिन है, इसके बाद जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी है। तो फिर हम लोगों को वही परेशानी, वही जो है ना गुर्बत, वही फाकी है, वही जो है ना हमारा वही निज़ाम फिर से वापस आ जाएगा। तो आप सबसे मेरी ये बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा, हमारे चैनल का टाइम पूरा हो जाएगा, तो मैं जो है ना अपने इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि मैं किसी की हेल्प भी कर सकूँ और अपने घर का भी जो है ना गुजारा अच्छा कर सकूँ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकूँ। सरकारी स्कूल में जाते तो हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं है इनको, कोई भी सबक इनसे पूछ लो नहीं आता, कोई इंग्लिश में पूछ लो उर्दू में पूछ लो इनको नहीं आती, क्योंकि सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती। पास ही में स्कूल है, अगर मेरे पास इतनी जो है ना पैसे हो तो मैं इनको इसी स्कूल में डाल दूँ। इधर हमारे घर के पीछे ही थोड़ा सा आगे है स्कूल, तो वहाँ पर जो है ना 500 रुपये बच्चों की एक बच्चे की फ़ीस है, लेकिन मैं वो नहीं दे पाती इसलिए मैं वहाँ पर बच्चों को जो है ना नहीं पढ़ा पा रही हूँ। अगर मेरे पास मेरी तनख्वाह शुरू हो जाएगी चैनल की तो मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों को यहीं डालूंगी। 500 ज़्यादा नहीं है, 1500 बन जाएगा बच्चों का। पैसे हो तो ज़्यादा नहीं होते, अगर पैसे ना हो तो 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम लगती है। तो आप सबसे हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को वीडियो को पूरा देखा करें, बार बार मेरी रिक्वेस्ट होती है मेरे बहन भाई। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके हमें ये ज़रूर बताया करें। और मुझे भी पता चला गया कि मेरे बहन भाई जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं,
ये अपना नाम भी बताया करें ताकि मैं कमेंट्स में अपना नाम भी बता दिया करें ताकि मुझे मेरे बहन भाइयों का नाम का भी पता हो। तो मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ अपना नाम, मैंने पहले वीडियो में बताया था, मेरे ख्याल में मेरा नाम जो है ना सोबिया है। तो आप लोग भी अपना नाम बताया करें। तो अब हमारी जो ये बेर है माशाल्लाह से ये भी बड़ी हो रही है, और ये जो फूल है ये फूल इस पर लगते हैं, ज़रा धूप निकलती है तो फिर बहुत ही खूबसूरत खिल जाते हैं। इसको जो है ना देखें आप, अभी थोड़े थोड़े जो है ना खिले हुए हैं ये, लेकिन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, अभी धूप नहीं है ना। तो ये हमारी बेल जो है ना, एक तो हमारे पास इतनी मज़बूत लकड़ी नहीं थी, हम लोगों ने इस लकड़ी पे ये दीवार, अगर बड़ी होती तो ये दीवार पे ही चढ़ जाती, लेकिन हम लोगों ने लकड़ियाँ बांधी थी वो जो है ना टूट चुकी हैं वजन से, और बेल जो है ना मेरी सारी ख़राब हो चुकी है। मुझे बहुत दुख होता है जब भी इसकी तरफ मेरी नज़र पड़ती है। आपको पता है जो चीज़ जिस चीज़ को प्यार से पाला जाए तो वो अगर ख़राब हो जाए तो बहुत ही दुख होता है, मुझे भी इसको देखकर बहुत दुख हो रहा है। तो आगे चलते हैं, आपको आगे का माहौल भी दिखाते हैं। ये हमारी करेले की जो बेल है ना, ये जो बढ़ती जा रही है, हमारी तूरियाँ भी इसी तरह हुई थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस पर जो है ना फूल लगते थे फिर गिर जाते थे। अब हमारी ये करेले की बेल बहुत ही जो है ना माशाल्लाह बढ़ रही है, लेकिन इसके ऊपर ये जो डंडियाँ सी लगी हुई हैं इसके फूल इसके बनेंगे, ये वाली जो डंडी है तो इसके ऊपर फूल, फिर करेला लगेगा। लेकिन अभी तक जो है ना हमारी सब्जियाँ, इतनी मेहनत की है मैंने, सब्जियों का जो है ना एक भी दाना हम लोग ने नहीं खाया। देखिए पता नहीं क्या मसला है, मेरे यहाँ हाथ से होती नहीं है या पता नहीं क्या है, जो है ना हमारी ये सब्जियाँ बेलें इसकी बहुत ही बड़ी हो जाती हैं लेकिन उतरती नहीं है सब्जी। तो ये हरनौलियाँ जो है ना, ये आप इसके पत्ते सूख रहे हैं, पता नहीं पानी की कमी हो गई, हम लोग काम पे चले जाते हैं तो पानी की कमी हो गई उसकी वजह से शायद सूख रहे हैं, तो इनको भी देखकर बहुत दुख होता है, पत्ते झड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मौसम भी पत्ते झड़ने की है ना सैफला। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए आपको ये माहौल कैसा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत माहौल है। तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बनाकर दिखाएं, बेहतर से बेहतर वीडियो दिखाएं। आप लोग हमें कमेंट्स करके ये ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हम लोग आपके इंतज़ार में रहते हैं कि हमारे बहन भाई हमें कमेंट्स करेंगे, हमें बताएँगे। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।